ख्वाजा अहमद ईसान साहब अब वफाक में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे या पंजाब में आएंगे? ये वाकई बहुत ही एक ऐसा इकदाम हुआ है पाकिस्तान के लिए। मैं तो कहता हूँ कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम तो उनके साथ हैं, वो हैं तो हम भी हैं साथ ही। मसाइल जो हैं मईशियत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा, कैसे कंट्रोल करेंगे? शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा चैलेंजिंग टास्क को उन्होंने बड़े आसान तरीके से निभाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 89 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान महर आदिल। आज नाज़रीन हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन साहब। गवर्नमेंट इनकी आ चुकी है, आगे इनसे जानते हैं कि कैसा सफ़र तय करेंगे और किन मुश्किलात का सामना जो है इनको है। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया। सबसे पहले तो मुबारक हो कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हल्फ ले चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ख्वाजा अहमद ईसान साहब अब वफाक में अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे या पंजाब में आएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो ये है कि जी ये वाकईतन बहुत ही एक ऐसा इकदाम हुआ है पाकिस्तान के लिए कि मोहम्मद शहबाज शरीफ जो अपनी स्पीड से माने जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, काम से माने जाते हैं और उनकी जो ख़ास सलाहियतें हैं वो उनसे माने जाते हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान को लीड कर रहे हैं। और अल्लाह की मेहरबानी और कायदे मोहतरम मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की खसूसी मोहब्बत और उनकी रहनुमाई में इंशाल्लाह चलेंगे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही खुश आइंद बात है। खादमे आला पंजाब से खादमे पाकिस्तान बनने का सफर तय कर, आप कहाँ पे अपनी जिम्मेदारी? मैं तो कहता हूँ जी हाथी के पाँव में सबका पाँव, हम तो उनके साथ हैं, वो हैं तो हम भी हैं साथ ही। अच्छा, जहाँ वो जिम्मेदारी लगाएंगे जो कहेंगे वो इंशाल्लाह। अभी डिसाइड नहीं हुआ कि ख्वाजा साहब कहाँ पे। देखो सब हुकूमत आई है, पिछले 16 माह में भी पीडीएम की सूरत में रहे और अभी गवर्नमेंट जो है वो मुस्लिम लीग नून आप कह सकते हैं हम लोग के PDM 2 भी कहा जा रहा है। मसाइल जो है मईशियत के हवाले से काफ़ी ज़्यादा है, कैसे कंट्रोल करेंगे? फिर दूसरी तरफ से आपको सामना भी इस दफ़ा तगड़ी अपोजिशन कह लें कि उनका सामना भी करना पड़ेगा और पंजाब में तो है लेकिन KPK की तरफ से भी जो है कुछ इशारे अच्छे नज़र नहीं आ रहे कि वफाक के साथ चलेंगे, तो कैसे शहबाज शरीफ साहब जो है वो मिल के पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामजन करेंगे? देखिए ये वाकईतन कोई शक नहीं है कि बहुत चैलेंजिंग टास्क है और लेकिन अगर आप शहबाज शरीफ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमेशा चैलेंजिंग टास्क को उन्होंने बड़े आसान तरीके से निभाया है। आप देखिए 2008 की जो हुकूमत बनी पंजाब के अंदर बहुत टफ हालात थे, आपकी बहुत थोड़ी सी मार थी, आपकी मेजॉरिटी थी और फिर आपने पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर गवर्नमेंट पंजाब में बनाई और वो जो पीरियड था 2013 तक एक बहुत ज़बरदस्त सुनहरे बाब में लिखा जाएगा जिस तरह से शहबाज शरीफ साहब ने काम किया पंजाब के लिए। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी जो टफ़ सिचुएशंस है और फिर 16 माह जो काम किया इन्होंने PDM में उस वक्त भी थी और उसी तरह टफ़ सिचुएशन थी, आप जानते हैं कि डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आप खड़े थे तो और रोज़ हमें यही इस चीज़ से ही डराया जाता था कि अब डिफ़ॉल्ट हुआ कि हुआ, अब डिफ़ॉल्ट हुआ कि हुआ। उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह अब तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र आपने ये लफ्ज़ नहीं सुना पाकिस्तान के हवाले से, तो ये भी इनकी कारकर्दगी और इनका एक मैं समझता हूँ बड़ा उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया इन्होंने और वो 16 माह इन्होंने बे इंतहा मेहनत की जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को उस ब्रैकेट से निकाला जिसमें आपको डिफ़ॉल्ट का ख़तरा होता है। आज भी देखें देयर मैनी चैलेंजेस और उसमें बुनियादी जो चैलेंज हमारा है वो मईशत की बहाली है और एक कॉमन आदमी जो है बिलखसूस मैं ये समझता हूँ कि हमारी एक वाइड मेजॉरिटी आपका लो मिडिल क्लास जो आदमी है जो सफ़ेद पोश है जो हाथ नहीं फैला सकता किसी के आगे, उसको मैं समझता हूँ इस वक्त वो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमने उसको किस तरह बहाल करना है। वाले साहब अभी आप टारगेट की बात कर रहे हैं कि लोअर जो आदमी है मईशत की बहाली से कि हमारे जो कमज़ोर तबका है उसको मिडिल क्लास वो क्लास, लेकिन मईशत के हवाले से IMF की तरफ हम जा रहे हैं लेकिन एक ख़त लिखा गया IMF को ये कि मैं आपने बात कर दी, मेरा नहीं जी चाह रहा था कि ऐसी बात की जाए लेकिन मुझे बताइए कहाँ का नेशनल इंटरेस्ट है, ये कौन सी
नेशनल बात हो रही है कि आप अपने मुल्क के ख़िलाफ़ एक ऐसी बात कर रहे हैं जिससे आपको मालूम है कि मुल्क के ख़िलाफ़ ये बात जाएगी, और आप उसे लिख के वहाँ पर भेज रहे हैं, इन राइटिंग भेज रहे हैं, ताकि वो उनके पास रिकॉर्ड भी रहे कि ये पाकिस्तान के एक ऑपोजिशन लीडर ने, एक्स प्राइम मिनिस्टर ने, उसने भेजा है। तो ये बड़ा ही बड़ा मायूब मामला है, बड़ा तकलीफ़ देह मामला है, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। आप ये देखिए कि इन पे तो शायद ये पहली दफ़ा ये सिचुएशन आई है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नमाज में तो बारहा ये सिचुएशन फेस की है, हर पाँच साल हमारे तो मार्शल लॉ भी लगे हैं दो हमारे पे। मसला ये है कि ये हमने तो कभी इस तरह की बात नहीं की, कभी भी इदारों के ख़िलाफ़, इंस्टीट्यूशन के ख़िलाफ़ हमारी लीडरशिप ने बात नहीं की, कभी ये मुश्तिल होके ऐसी बातें नहीं की जिससे खुदा ना खास्ता 9 मई वाला वाक़या रूनुमा हो जाए। सो मैं ये समझता हूँ कि ये पब्लिक को भी इस चीज़ का एहसास और इदराक होना चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की क़यादत जो मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब हैं, वो ही एक माइंडसेट है जिसकी इस वक्त ज़रूरत है कि मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग, वो लीडरशिप जो मुल्क से मोहब्बत करती है और जो मामला करती है वो मुल्क के लिए करती है और इन्हीं मुल्क के लिए ही उसको आगे ले जाने के लिए करती है। ख्वाज साहब, यहाँ पर एक सवाल बनता है कि पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद चल रहा है, 16 माह में भी इत्तेहाद रहा, उसके बाद फिर इल्ज़ाम देखे, अब भी इत्तेहाद है और आगे 5 साल जो है वो सफर भी कठिन नज़र आ रहा है। पीपल्स पार्टी आइनी अहदों के अलावा कोई मजार नहीं, इसकी देखिए बहुत 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 आपने अच्छी बात की है, बड़ी पते की बात है, लेकिन एक चीज़ प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी स्पीच में भी कही और मैं ये समझता हूँ वो एस्पेक्ट ज़रूर जेन में रहना चाहिए कि जब मामलात बहुत गंभीर हुए थे, जब बेनज़ीर साहबा की शहादत हुई और सिंध के अंदर बहुत मामलात गंभीर थे और ऐसे था जैसे आग लग गई है, और यहाँ पे भी पंजाब में भी बाकी जगहों पे लोग जेन्युइनली अपसेट थे, आग लगा दी और हाँ बड़ा उसमें, उन हालात में जहाँ मैं ये समझता हूँ हमारे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के जो आंसू थे उस वक्त, उन्होंने जहाँ मरम पट्टी और एक ठंडक का काम किया, वहाँ पे आसिफ अली जरदारी का के पाकिस्तान खपे का जो था नारा था वो बड़ा एक बुनियादी नारा था, और ये प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने अपनी स्पीच में कहा कि हमने अगर इलाक किया है, और ये भी तो वो पार्टी है जिसने बड़े सख्त दिन देखे जब उनकी लीडर शहीद हो गई थी उस पर भी, और जब लोगों ने अपना रिएक्शन शो किया तो उन्होंने ये कहा कि नहीं पाकिस्तान खपे। तो ये मैं ये समझता हूँ वो बॉटम लाइन है कि वो कभी भी वो उस उन्होंने अपनी लिमिट्स को उस तरह क्रॉस नहीं किया कि आप ये कहें कि ये मुल्क के दुश्मन और मुल्क के ख़िलाफ़ हो गए। सो मैं समझता हूँ कि इसमें ठीक है प्रॉब्लम ज़रूर होती हैं, आपके अंडरस्टैंडिंग में इशूज़ आते हैं, मिलजुल के जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको गिव एंड टेक करना पड़ता है, कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, लेकिन बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि वो जो भी आप करें उसका इट शुड बी इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, उसका बुनियादी फ़ायदा पाकिस्तान को होना चाहिए, अवाम को होना चाहिए, ये बुनियाद है। अच्छा भाई साहब, मरियम नवाज़ साहिबा पंजाब में वज़ीर आज़म हैं, आप एक मुस्लिम लीगी कारकुन भी हैं और बहन माँ भी कारकुन, और काफ़ी हद तक आपकी बात जो है रसाई ऊपर तक है, मियाँ साहब तक भी है, आपको नहीं लगता कि वज़ारत आला को किसी और कारकुन को देना चाहिए था? इससे जो पार्टी के अंदर जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं, फिर चौधरी निसार साहब, फिर मुफ्ता एहसन, काफ़ी यानी कि आवाज़ें उठती रही हैं कि, और फिर मुखालफीन की जानिब से भी ये इल्ज़ाम लगते रहे कि मोरसी सियासत जो है। देखें बात यह है कि कोई भी हो अगर वो एक टफ प्रोसेस से गुजरता है, और मुझे बताइए कितनी आपको रीसेंट हिस्ट्री में ऐसे एग्जांपल्स मिलते हैं कि माँ बिस्तरे मत पे हो और बेटी जो है पता है कि उसने आके उसे पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा, वो अपनी वालदा को बिस्तरे मर्द पे छोड़ के वो अपने वालिद के साथ आ जाती है और यहाँ पे पाबंद सलासिल हो जाती है। मुझे बताइए कैसी कितनी मिसालें आपके सामने इस तरह की। तो जब हम वो बातें करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि इन्होंने भी उस कठिन प्रोसेस से ये गुजर के आए हैं, इन्होंने भी वो सख्त रास्ता इख्तियार किया है,
आसानियों का नहीं है। और फिर कायदे मोहतरम ने जब आना था तो ये गली गली, कूचा कूचा, शहर शहर, करिया करिया मरियम नवाज गई नहीं, इसमें तो और इन्होंने रिवाइव किया और रिस्टोर किया, और पुराना एक जो आपका बलबला था, जोश था EMLN का, उसको इन्होंने यूथ को साथ एक्टिवेट किया। तो मैं ये समझता हूँ इसमें तो कोई शक नहीं कि मरियम नवाज ने एक मुश्किल जो वक्त था मुस्लिम लीग नून पे क्राउड को चार्ज किया, और फिर एक मोहब्बत जो थी नवाज शरीफ की उनके वोटर्स में वो जो है वो रखी। एक आखिरी सवाल कि इन 5 सालों में कोई लड़ाई देख रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, या बड़े आराम से चलेंगे जिस तरह अच्छे बच्चों की तरह मिल बांट के, या इमरान खान वाला एक पेज चलेगा? देखिए बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट कह लीजिए या कोई भी फोर्सेस कह लीजिए, उन्होंने सब कुछ देख लिया और उन्होंने ये भी देख लिया है कि मुल्क के साथ सिंसेयर कौन है और फिर लिमिट्स क्रॉस कौन कर जाता है। सो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि सेंस विल प्रिवेल इंशाल्लाह दोनों साइड्स के लिए, चाहे वो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, कि दे वुड रियलाइज कि इस वक्त मुल्क की ज़रूरत ये है कि हम मिल बैठ कर ऐसे मामला तय करें जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। इस वक्त मुल्क को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यकजहती की आपस में, और यही प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने मफाहमत की बात वहाँ स्टेज ऑफ उस पे फ्लोर ऑफ द हाउस पे कही है। जैसे पहले उन्होंने एज लीडर ऑफ द अपोजिशन उन्हें मफाहमत की बात की थी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से की थी कि फॉर मईशत की खातर मैं हाज़िर हूँ, अपने सारे अपने इख्तलाफात बुला के मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। तो आज भी उन्होंने यही कहा कि मुल्क की खातर हम आज मफाहमत करने को तैयार हैं, वो हम पावर में आ गए, वो हमें जिम्मेदारी सौंप दी गई है और हम आपको साथ लेके चलने को तैयार हैं पाकिस्तान की खातिर, मुल्क की खातिर। मैं ये समझता हूँ कि यही स्टैंड और यही स्टांस हमारे लिए ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुन रहे थे ख्वाजा अहमद हसन साहब की, और उनके मुताबिक के जो मईशियत और मुल्क और कौम को आगे लेकर चलने के लिए जो है वो सबको मिल बैठना ज़रूरी है, सबको सियासत भी करनी है। तो यहाँ पर हमारा भी यही पैगाम है कि पाकिस्तानी अवाम का सोच कर कीजिए, इस मुल्क का सोच कर कीजिए, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े और हम बढ़े। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।